बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं सूजी की एक बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लें और फिर ऑयल डालने के बाद उसमें 2 कप सूजी डालें और फिर 5 मिनट तक सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। 5 मिनट भूनने के बाद जब सूजी में से खुशबू आने लग जाए तो इसमें 3 कप दूध डालें। जितनी सूजी होगी उस हिसाब से आपने दूध डालना है। दूध डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बर्तन में 3 कप चीनी डालें। 3 कप चीनी डालने के बाद अब इसमें 2 कप पानी मिलाएं और इसका शीरा तैयार कर लें। और ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब सूजी ठंडी हो जाए तो इसे आटे की तरह गूंद लें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 कप खुश्क दूध मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हाथों से इसके गोल गोल लड्डू बना लें। इस तरह से आपने सारों के बना लेने हैं। गोल गोल लड्डू बनाने के बाद अब इसे ऑयल में फ्राई करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑयल में डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हिलाते रहें कि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो तो इसे बाहर निकाल लें। ज़्यादा देर तक इसे ऑयल में ना रहने दें। ऑयल से निकाल कर ठंडे करके अब इसे शीरे में डालें और इन्हें 30 मिनट तक शीरे के अंदर ही रहने दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से हमारी आज की ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।